काफी टाइम से एक सॉन्ग जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और इस गाने के ऊपर तो इवन एक ऑफिशियल वीडियो भी आ चुकी है जो ट्रेंडिंग में चल रही है, जिसमें बादशाह भैया ने इस सॉन्ग को ऐसे प्रमोट किया है, ऐसे फैलाया है, जिसे भारत का अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सीना चौड़ा हो गया है। जरा गौर करिए इस बात के ऊपर, नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड लाने के लिए कितनी मेहनत की, उनको इंजरी हुई, वो ठीक हुए, ओलंपिक में उन्होंने हिस्सा लिया, वहां पर उन्होंने भाला फेंका और उनको गोल्ड मिला, और इस मेहनत के लिए यहां पर उनको काफी ज्यादा इनाम दिए गए और यहां पर उनको महिंद्रा की तरफ से एक गाड़ी ऑफर की जाती है। लेकिन हमारे ही देश में एक ऐसा बच्चा जिसने एक ऐसा गाना गा दिया जिसका उसको मतलब तक भी नहीं पता होगा, उसको गाड़ी दे दी जाती है। मतलब कमाल है, अब इस चीज से लोग क्या चीजें सीखेंगे, मतलब वो किस चीज की तरफ आकर्षित होंगे। ऑब्वियसली मेहनत करना आज की डेट में बहुत कम लोग चाहते हैं, वो यही चाहेंगे कि शॉर्टकट तरीका हमको मिल जाए ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें कमा सकें, पैसे कमा सकें, और मतलब यही वो चीज अपनाएंगे ऐसे ऐसे गाने गाने को। बात बच्चे की नहीं है, ये अच्छी चीज है कि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, लेकिन मेन मुद्दा इस चीज का है कि प्रमोट किस चीज को किया जा रहा है। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार, इस चीज के बोल जो है क्या उस बच्चे को पता है, या फिर आप अपने बच्चे से ये बोल गवाना चाहेंगे? एक बच्चा आपके भी मतलब आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में, या इवन आपका ही बच्चा होगा, क्या आप उसको कहेंगे कि ये वाला गाना गा ले अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के सामने, ऐसा गाना वो गा पाएगा? और वैसे इस सॉन्ग से सीखने को क्या मिलता है, क्या इस सॉन्ग में हमारे देश के प्रति हमारी इज्जत बढ़ जाती है, या महिलाओं का सम्मान करने का इसमें मैसेज मिल जाता है, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई करने की प्रेरणा इससे मिल जाती है, या जो यंगस्टर होते हैं इस सॉन्ग को सुनकर वो अपने करियर के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं, इस सॉन्ग से सीखने को क्या मिलता है? कमाल की बात यह है कि जब इस बच्चे ने इस सॉन्ग गाया तो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर है वो इस बच्चे से मिलने पहुंच जाते हैं। शायद ये चीफ मिनिस्टर उस बच्चे से कभी मिलने नहीं गए होंगे जिसने अपनी क्लास में टॉप किया होगा, या फिर बोर्ड एग्जाम में टॉप किया होगा, या फिर उस बच्चे ने कभी खेल के अंदर बहुत अच्छा काम कर दिया होगा, या फिर किसी बच्चे ने सामाजिक कार्य में हिस्सा लेकर लोगों को एक अच्छा मैसेज दे दिया होगा। हमने ऐसे लोगों को चुनकर वहां भेज रखा है जहां पर ये लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। सोचिए यहां पर मुख्यमंत्री इस बच्चे के साथ ऐसी चीजों को गवा रहे हैं जिसका उसको खुद को मीनिंग नहीं पता है, और बड़े ही हंसकर वो उस चीज को वो मतलब प्रमोट किए जा रहे हैं। इससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग इस चीज से क्या सीखेंगे, बच्चे इस चीज से क्या सीखेंगे? शायद वो ये गाना गाना सीखेंगे, और शायद आप लोग इस ये जो गाना इस बच्चे ने गाया है शायद अपने बच्चे से भी ये गाना गवाना पसंद करेंगे। आप पसंद करेंगे तो शायद उनका मीनिंग भी आप उनको बताएंगे। अगर आप बताना मतलब आप उसको मीनिंग बताएंगे कि बेटा इस सॉन्ग का मतलब ये है, यहाँ पर ये जो प्यार की बात हो रही है, बचपन की बात हो रही है, किसको कहा जा रहा है, जो ये वर्ड इसके अंदर बोले जा रहे हैं, आप अपने बच्चे को शायद ये बताना पसंद करेंगे, और बताना पसंद करेंगे तो मुबारक हो, आप इस वायरल कैटेगरी में आते हैं। ऐसे सॉन्ग को प्रमोट करना उन लोगों के ऊपर भी तमाचा है जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जो सिंगर बनना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि यार एक दिन हमारी भी वीडियो आएगी, हम लोगों को बता पाएंगे कि हम भी बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन उनको यार ये देखकर बड़ा दुख होता है कि भारत की जनता किस चीज को प्रमोट करने में लगी हुई है। इंडियन आइडल के स्टेज पर ये बच्चा जब यहां पर जजेस के साथ, इवन तो मुझे इनको जजेस कहते हुए शर्म आ रही है, इन सेलिब्रिटीज के मतलब जो भी हैं इनके साथ यहां पर ये आता है, और कमाल की बात देखिए वो बच्चा इस इंडियन आइडल की स्टेज पर कंटेस्टेंट है, कोई आया हुआ है यहां पर जिसने जेन्युइन मेहनत की है, वो शायद उसने कभी ये सपना देखा होगा कि यार मुझे भी ऐसी हाईलाइट मिलेगी, ऐसा फेम मिलेगा, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी जब यहां पर ऐसी चीजों को प्रमोट किया जाता है। और अब बात आती है बादशाह भैया की, जिन्होंने तो भैया मौके का फायदा उठा लिया, यहां पर बच्चे को मतलब वो वायरल हो रहा था तो चलो भैया इसके साथ एक वीडियो बना देते हैं। हाँ, अब कहो भाई बच्चे की पढ़ाई के लिए उन्होंने ये खर्चा देने का वादा किया है कि भैया जब तक पढ़ेगा हम इसका खर्चा देंगे। वो अलग बात है कि इस बच्चे ने पता नहीं अब तक कितनी बार किताब उठाई होगी पढ़ने के लिए, क्योंकि हर कोई उसका फायदा ही तो उठाया जा रहा है। रानू मंडल भी इसी तरीके से वायरल हुई थी, उनका भी हिमेश रेशमिया ने फायदा उठाया था। भाई साहब अब बादशाह भैया कहां पीछे रहते, उन्होंने भी इस चीज का फायदा उठा लिया। अब वो अलग बात है उन्होंने जो वादा किया है, वादे तो बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन देखने को जाता है कि कौन क्या निभा रहा है और कौन क्या नहीं निभा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है भाई, सब कुछ भी बोल दो लोग तो उस चीज को मान ही लेते हैं। इवन इस मासूम बच्चे को तो ये भी नहीं पता है, जब इसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो सामने इसके रिपोर्टर बैठा है, जो उससे सवाल पूछ रहा है, इसको उस सवाल का जवाब क्या देना है। इसके कान में एक ईयरफोन डाला जाता है, जब इससे सवाल पूछा जाता है तो ये अटकता है, उसको वहां से आवाज आती है, तब ये बताता है कि मुझे क्या रिप्लाई करना है। तो ऑब्वियसली यार इस बच्चे को नहीं पता है, इतना मैच्योर नहीं है, लेकिन जो मैच्योर है वो इसका फायदा उठा रहे हैं। और साथ ही साथ ये लोग फायदा उठा रहे हैं इमोशनल करके जनता का, मतलब हमारे देश का जो जनता, हमारे देश की जो जनता वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। इस बात का गवाही इतिहास भी देता है, जिस तरीके से अंग्रेजों ने इमोशनल कर करके भारतीय जनता का जो फायदा उठाया,
वैसा ही यहाँ पर है भाई साहब, हमारे देश में इमोशनल कार्ड चलता रहता है और यहाँ पर ये चल भी रहा है। जिस तरीके से टिकटॉक ने एक ट्रेंड चला दिया था कि भैया जैसे जैसे वायरल हो जाओ पैसे कमा लो, यहाँ पर भी सेम आजकल के जो माँ बाप है अपने बच्चे को वायरल करने पर तुले हुए, वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ना दिलाकर अब अपने बच्चों के बालों में जेल वेल लगाकर उसको उससे मतलब मुजरा करवा रहे हैं। तो देखो यार, वायरल होना और फेमस होना इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। फेमस होने के लिए आप लोगों को तपना पड़ता है, तब जाके वो एक फेम मिलता है, लेकिन वायरल होने के लिए तो भाई साहब आप कुछ भी उठपटांग हरकत कर सकते हैं। जैसे यहां पर ये जो सॉन्ग गाया गया है जिसका इसको बच्चे को खुद भी मीनिंग नहीं पता है, और लोगों ने इस तरीके को इस सॉन्ग को ऐसे प्रमोट कर दिया है जैसे कि बहुत एक यूनिक सॉन्ग गा दिया गया है, आज तक कभी ऐसा सॉन्ग सुना ही नहीं गया था, और इससे बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छी चीज मिलेगी बच्चों को सीखने में, बड़ों को सीखने में। सोचकर देखिए इससे समाज पर क्या असर पड़ता है, उन माँ बाप के ऊपर इस चीज का क्या असर पड़ता है। शायद वो अपने बच्चे से पढ़ाई छुड़वा कर ये कहेंगे कि बेटा छोड़ पढ़ाई को, इस चीज के सॉन्ग गा ले, इसी को लोग जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। और ये जनता का ही कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर रोल है जो इस तरीके के सॉन्ग को आगे लेके चले जा रही है। और फिर बाद में अगर कुछ चीजें हो जाती हैं, बच्चा जब इन चीजों से सीखने स्टार्टिंग का बेस होता है, बच्चा जो कोरा कागज होता है वो चीजें सीखने शुरू करता है, और जब वो देखता है कि यार इसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वो बनता कैसा, उसका व्यक्तित्व कैसा बनता है। मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को बनाने का इसलिए था कि भैया इस चीज से लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, मतलब बच्चा इससे सीखता क्या है। आई होप सो आप लोगों को वीडियो समझ में आई है। समझ में आई है तो भाई साहब आप सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं आई है तो बेशक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट हमेशा ओपन रहते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं क्योंकि उस चीज को मैं छुपाना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। तो बस आज के लिए इतना ही रखता हूं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।